अर्थ काम मोक्ष। कितने शब्द हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब परिचित है ना। इनका क्रम जरा देखो, पहले क्या है, क्या है? धर्म है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद काम है, उसके बाद मोक्ष है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा कमा रहे हैं ना आप जीवन में, उसका आधार धर्म होना चाहिए। अगर अधर्म से धन कमाया है तो उस धन का कभी सुख नहीं मिलेगा आपको, सब बर्बाद कर देगा वो अधर्म से अर्जित हुआ धन। तो जीवन में धर्म को बहुत महत्व दीजिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि गले में खूब बड़ा बड़ा रुद्राक्ष की माला पहनना, माथे पे चंदन लगाना, सुबह शाम शिव जी को एक लोटा जल डालना और काली जी को जाकर के अगरबत्ती दिखाना, ये धर्म नहीं है। ये धर्म का एक अंग है। धर्म का मतलब ये है कि जो गलत है उसको न करना हमारा धर्म है, अनिवार्य धर्म है, जीव का अनिवार्य धर्म है। जब आप कोई भी जीवन में गलत काम नहीं करोगे तो आपको जानते हैं क्या सबसे बड़ी उपलब्धि होगी? आपको किसी से डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं। अच्छा, धर्म से जो धन आएगा ना उसमें भगवान की कृपा भी होगी, किसी की बद्दुआ नहीं होगी, किसी का हक नहीं होगा। तो वो जो धर्म पूर्वक कमाई है ना, वो जीवन में परिवार में पोषण देगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद आता है काम। काम मतलब रूढ़ काम आप सब जानते हो, और कामनाएं जो हमारे भीतर छिपी रहती हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, उपलब्धियां हासिल करना, सबका अपना अपना हो सकता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई नेता, सबकी अपनी अपनी कामना है। तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए जब धर्म पूर्वक अर्जित किया हुआ धन लगाएंगे ना, तो कुछ समय बाद आप कामना से निवृत्त हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस कामना को पूर्ण करने में कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। उदाहरण ठीक है ना, मतलब नाक से चना चबाना, पता नहीं क्यों कहा जाता है लेकिन ऐसा ही कहा जाता है, नाक को चना चबाना, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दो नंबर के धन से आपकी ढेर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें मरती नहीं है और बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण एक दिन हम दलदल में इस तरह उलझ जाते हैं ना कि फिर दुनिया की कोई ताकत हमको निकाल नहीं पाती है। तो धर्म से अर्थ कमाएं, और जब धर्म पूर्वक अर्थ हो तो उससे कामनाएं हमारी पूरी होंगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे जीवन में। और धर्म अर्थ काम ये तीनों ठीक तरीके से जीवन में हासिल हुआ ना, तो मोक्ष उस व्यक्ति का स्वतः हो जाएगा। एक न एक दिन दुनिया की हकीकत उसे ठीक से जान जाएगा, और फिर दुनिया को छोड़ करके ना, जो दुनिया का मालिक है, जिसे राम कहते हैं, जिसे कृष्ण कहते हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान लगा करके भगवान का सुमिरन भजन करेगा और इस जीवन से मुक्त हो जाएगा।